गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे डीजल गाड़ी के इंजेक्टरों के बारे में। जो डीजल गाड़ी के अंदर इंजेक्टर आते हैं वो एक तो डेल्फी कंपनी के आते हैं या बोस के आते हैं। जो इंजेक्टर लगाए जाते हैं कंपनी में उनके अंदर आज हम बात करते हैं, जैसे कि निसान की कार हो गई, मारुति की स्विफ्ट हो गई डीजल में, आपकी फोर्ड की कार हो गई, मतलब जितने भी डीजल के वर्जन होते हैं इंजन, वो उन इंजनों के अंदर इंजेक्टर्स लगाए जाते हैं बोश या माइको के या डेल्फी के या लुकास कंपनी जो डेल्फी होती है उसके लगाए जाते हैं। अब वो इंजेक्टर कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इंजेक्टर के अंदर क्या होता है, ऊपर का पॉइंट होता है जहाँ से हमारा फ्यूल आता है, वो हमारे हाई लाइन पाइप से टाइट हो जाते हैं। और क्या होता है, दूसरा एक रिटर्न पाइप होता है, उससे हमारा वो रिटर्न हो जाता है। आगे जो होता है उसके बाद में क्या होता है, उस इंजेक्टर के अंदर एक छोटा सा एक पाइप होता है, उसके अंदर क्या होता है, फ्यूल चलता है, लेकिन उसके अंदर एक सोलेनोइड लगाया जाता है और इलेक्ट्रिकल कॉइल लगाई जाती है। और क्या होता है, जो चारों इंजेक्टर होते हैं उन पे कोडिंग भी डाली जाती है, जिसे हम बोलते हैं C2I नंबर। C2I नंबर इसलिए डाले जाते हैं कि उसकी C2I नंबर से हम ECM के अंदर प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ईशियम में ये डाल दिया जाता है कि ये जो C2I नंबर का इंजेक्टर हमारे कौन से सिलेंडर पे लगाया गया है। तो क्या होता है, ईशियम को ये चीज़ का पता रहता है कि इतने नंबर का इंजेक्टर हमारे कौन से सिलेंडर पे फिट है और पावर स्ट्रोक में उसे कितनी देर तक इलेक्ट्रिकल करंट देना है। तो होता क्या है, ये चारों इंजेक्टर हमारे सिलेंडर हेड के ऊपर फिट कर दिए जाते हैं। सिलेंडर हेड पे फिट करते हैं जहाँ पर हमारे पिस्टन होती है, जब पावर स्ट्रोक होता है पिस्टन के अंदर हवा और फ्यूल जलता है, वहाँ पे ही ये फ्यूल स्प्रे किया जाता है। जो डीजल गाड़ी होती है उसमें स्पार्क प्लग नहीं होते, उन गाड़ियों के अंदर ग्लो प्लग्स लगाए जाते हैं। ग्लो प्लग सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि वो कार को ठंडे मौसम में जल्दी से गर्म कर लिया जाए फ्यूल को वहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं इंजेक्टर के बारे में कि इंजेक्टर हमारा कैसे काम करता है। इंजेक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे जो फ्यूल होता है फ्यूल पंप, वो प्रेशर बनाकर उसकी हाई लाइन तक पहुँचा के रखता है। यह रेल से कनेक्टेड होता है पाइप के द्वारा। जब रेल से इस पर फ्यूल आता है और जैसे ही इस पर प्रेशर रहता है, जो बाकी फ्यूल होता है रिटर्न लाइन से वो वापसी रिटर्न चला जाता है। जब हमारा फ्यूल अंदर हमें पावर स्ट्रोक्स में भेजना है तो क्या होता है, ईशियम ओस्ट सेम हमारे इंजेक्टर के अंदर पावर सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल की। जब इलेक्ट्रिकल की पावर सप्लाई होती है तो इंजेक्टर ओपन होता है और वहाँ पे सोलेनोइड एक पिस्टन लगी हुई होती है, और जो हमारे जो सुराख्स होते हैं उनको बंद करके रखती है जो कि फ्यूल आगे ना जाए। जैसे ही वो ओपन होता है तो फ्यूल का जो प्रेशर पीछे से हमारे पंप के द्वारा लगता है उससे इंजेक्टर के अंदर वेपराइज कर दिया जाता है। और जब वो वेपराइज हो जाता है तो वहाँ पे जैसे ही जहाँ हमारा फ्यूल अंदर जाता है वो क्या होता है, हवा का टेम्परेचर इतना होता है कि वहाँ पे फ्यूल ऑटोमेटिक ऑटोमाइज होके चला देता है एयर को। तो एयर और फ्यूल में जब आग लगती है तो हमारा पिस्टन वापसी हमारा नीचे चला जाता है पावर स्ट्रोक के अंदर, और नीचे जाता ही हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है तो हमारा जली हुई गैस हमारी वापसी साइलेंसर के द्वारा बाहर निकल जाती है। इस हिसाब से ये इंजेक्टर हमारा काम करता है। और अगर ये इंजेक्टर हमारा लॉक या चोक हो जाता है तो गाड़ी मिसिंग करेगी और स्टार्ट नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त।